हे गाइस, तो वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं हो चुका हूँ रेडी। साथ में मेरा छोटा भाई वो अभी किचन में है। अभी हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ मंदिर, जो कि नन्नू का प्लान था। मैं, नन्नू और सौरभ भैया। तो अभी हम पानी पी के निकलते हैं। सौरभ भैया हमारा वेट कर रहे हैं और अभी हम जाएंगे ना ही बाद आपको पता लगे किस चीज़ में जाएंगे। आप चलो चलते हैं, आप पैदल जाएंगे हम, ठीक है। तो अभी हमने वहाँ पे रात स्टे करना है, तो थोड़ा बहुत सामान ले लिया इसमें और नन्नू ने किट तैयार कर लिया है, उसमें डाल लिया है। भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं नींबू पानी पीने के लिए। इससे पहले हम पी रहे हैं नींबू पानी, जो कि हमें सौरभ भैया का ऑफर चल रहा है अभी। सौरभ भैया हमारी सेवा कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े तो यही हैं, देखा भाई, सेवा कर रहे हैं। बाद में मत बोलना भी सौरभ भैया हमें कुछ खिलाते नहीं है। लो भाई नींबू पानी, थोड़ा नींबू घट सी था, और नींबू पान लगे हैं। छोटा जहा मुंडा कितनी मेहनत कर रहा है। अच्छा पानी पी लिया है, चलो अब बाइक लगाते किसी के घर, मतलब अपने रिलेटिव के घर। ने नेहा भाभी के घर बाइक खड़े कर दिए हैं, पैदल जा रहे हैं अभी। तो इसके बाद देखते हैं कैसे रहता अब हमारा सफ़र। हमने बाइक वहाँ पे ऊपर खड़ी कर दिया है, तो अभी हम जाएंगे बोट में। नन्नू फर्स्ट टाइम, मैं और सौरभ भाई तो पहले भी जा चुके हैं ना भाई। नन्नू कहता, नन्नू मैंने पता क्या कहता, कहता भाजी वो ट्यूब भी देंगे, सेफ्टी भी देंगे। क्या जी कहना, ट्रैक्टर की ट्यूब लेनी थी घर दे। ब्यूटी देख सकते हो आप। चलो अब दिखाते हैं आपको बोट। देख सकते हो यहाँ से हमने अभी बोट लेनी है, बोट लेके वहाँ से हमने दूसरे किनारे पे जाना है। और ये रही हमारी बोट, कितना सेटअप अप है। हेवन, जन्नत। तो अभी हम हैं पहाड़ी एरिया पे, ऊपर आना होगा ना, नीचे जाने में ना टाइम नहीं लगता, ऊपर आने में टाइम लगता है। आ तो हम थे ना गाड़ी में भी सकते थे, पर जो ऐसा भी मजा जाने में वो अलग मजा है। गड्डी भाई कितना साढ़े 1.5 घंटे का रास्ता होना, 2.5 घंटे का। मजे ले रहा पूरे। सौरभ भैया को आंटी मिल गए, हम अचली की बात कर रहे हैं और आंटी का बैग मैंने पकड़ लिया है ताकि आंटी आराम से नीचे आ सके। भाजी ने तो बोलनी आंदी, आंटी सानू नहीं आंदी, पहाड़ी है बोलना। हाँ सानू बोल दे पहाड़ी है, बट है ऐसी है नहीं। पानी देख सकते हो, पानी ही पानी। और अंकल जी इनका टाइम हो गया है पूरा 6 बजे, पता नहीं ये वाली आएगी लास्ट। तो अंकल अपने घर जा रहे हैं और देख सकते हो इन बोट का भी नंबर है। ये रही बोट जिसमें ये इंजन लगा हुआ है, जो खेत में हमने लगाया है। तो ये थोड़ा सा बड़े व्हील वाला है सिंगल। हमारी सवारी बैठ चुकी है, बोट है बिलासपुर नंबर BLP 42। ये इसका इंजन है, यहाँ से ये चप्पू, इसका ये चप्पू है, यहाँ से लेफ्ट राइट होता है, ये लेफ्ट राइट हो रहा है नीचे भी। तो ये स्टार्ट होने वाली है यहाँ से, जैसे मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ वैसे स्टार्ट होगी अभी। तो अब ये बोट हो गई है स्टार्ट। अरे इसको पकड़ने के लिए रस्सी।
घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं। भाजी कितने पहुंचे अजी? कोसरी हैं, छात ले जाना है ना। विकेट ले, शक ले, चलिए लो भाई लग गया। सौ रुपये मजा आ गया ना, वोट में मजा आया पूरा, गाड़ी में नहीं आता ना। और यहाँ पे आपको खाने के लिए सामान वगैरह मिल सकता है, देखते पानी की बोतल लेते हैं पर एक। तो अभी भाई कितना टाइम लगना चल लेना, पैदल चल लेना, कितना टाइम लगना? तो अभी हमने टैक्सी कर ली है, टैक्सी में आराम से जा रहे हैं। और ये रहा ग्राउंड, नीचे है शाहतराई और बाबा बालकनाथ जी का वो है मंदिर ऊपर यहाँ पे, ये रहा शाहतराई नीचे है, मजा आने पैदल भी चले हैं। अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर शाहतलाइयां, यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी मतलब गाँव वगैरह चराते थे और यहीं पे रहते थे, और वो माता रत्नो जी के पास रहते थे। और यहाँ पे ही उन्होंने पेड़ में से चिमटा मार के रोटियाँ जो भी पूरी उम्र की, और लस्सी जमीन में से मतलब धरती में से लस्सी निकाली थी यहाँ पे। तो अभी आपको दिखाते हैं, वहाँ पे पेड़ भी होगा और ये रही मार्केट। और इन दिनों में रश बहुत कम है, अब संडे वाले दिन रश रहता है। मेन एंट्रेंस मंदिर की, और ये रहे आरती हो रही है अभी। ये रही मेन एंट्रेंस, नन्नू और सौरभ भैया आ गया कि मैं पीछे पीछे। ये बाबे दी अच्छा, यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि शादी के बाद जो भी सहरा होता है ना वो यहाँ पे चढ़ाया जाता है शादी के बाद। देख सकते हो कितना यहाँ पे चूड़ा भी यहीं पे चढ़ाया जाता है। आज बिल्कुल भी रश नहीं है। जयकारा बाबा बालकनाथ जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। गाइस ये रहा पेड़,
ये देख सकते हो रोटियां और उसमें लगा हुआ चिमटा। ये रही पवित्र वो स्थान यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी बैठते थे, देख सकते हो रोटियां। ये मक्की की रोटियां और चिमटा लगा हुआ ना वो दिख रहा होगा आपको। कभी कभी ने माथा टेक लिया क्योंकि बिल्कुल भी रश नहीं था, सिंपल अकेले गए, अकेले लाइन से आ गए। तो अभी पी रहे हैं लस्सी और अभी कुछ भी खाया नहीं है, बस पीते जा रहे हैं। दो तीन पानी की बोतल पी चुके हम। अनू ने ले लिया है चश्मा, देख लो कितने अच्छे अच्छे चश्मे मिल रहे हैं यहाँ पे, और वॉचिस। हमने छातलाई मंदिर में मत्था टेक लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं सिद्ध बाबा बालकनाथ के जो ऊपर गुफा है वहाँ पे मंदिर पे जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करने वाला हूँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो कल आपको मिलते हैं फिर मंदिर में।